डायबैक्सी के सारे वीडियो एक एक करके देखने के बाद अब आपको ये तो यकीन होने लगा होगा कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है और हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगाया जा सकता है। डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को डाइट से रिवर्स किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा डाइट प्लान बनाने की कोशिश करते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को सूट करता है, जिसमें आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है और जो आपको अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करने में भी आपकी मदद करेगा। मैं आज आपको इस वीडियो में 5 रूल्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबैक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में देने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट का सबसे बड़ा रूल, पहला रूल, वो ये है कि आपको पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रख देना है। पूरे दिन में जो भी आप खाते हैं उसका टोटल ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रखना है। इस 25 की फिगर पर हम कैसे आए उसको देखते हैं। एक ग्लाइसेमिक लोड 20 यूनिट ब्लड शुगर के बराबर होता है, तो 25 ग्लाइसेमिक लोड 500 यूनिट ब्लड शुगर लेवल देगा और एक यूनिट इंसुलिन 50 यूनिट ब्लड शुगर को कवर करता है। इसका मतलब हमें 10 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी ये 500 यूनिट ब्लड शुगर लेवल को कवर करने के लिए। तो अगर आपकी पैनक्रियाज थोड़ा बहुत भी काम कर रही है तो 10 यूनिट इंसुलिन तो वो पूरे दिन में बना ही लेगी, और अगर आपकी पैनक्रियाज 10 यूनिट इंसुलिन पूरे दिन में बना लेगी तो इसका मतलब जो 500 यूनिट ब्लड शुगर आया है 25 ग्राम ग्लाइसेमिक लोड से, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कंट्रोल कर लेगी, उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड आप 25 से नीचे रखते हैं तो बिना दवाइयों के आपकी जो बॉडी है खुद ही ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर लेगी, क्योंकि इतना इंसुलिन वो प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में मेडिकल एडवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी, कई जगह डोजेज एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप डायबैक्सी के दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें और यहाँ पे आपको एक मेडिकल डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे और आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप डायबैक्सी के दिए हुए नंबर पर फ़ोन करेंगे तो डाइटिशियन आपको डाइट प्लान बनाने में हेल्प करेगी, जिससे आप अपने पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रख पाएंगे। देखिए, मैं डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में सीरियस हूँ, डायबैक्सी डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में सीरियस है। क्या आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए सीरियस हैं? अगर आप सीरियस हैं तो डायबैक्सी को सपोर्ट करें। डायबैक्सी के प्रोडक्ट खरीद कर आप डायबैक्सी को सपोर्ट कर सकते हैं। डायबैक्सी अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा फ्री सर्विसेज देने में यूज़ करता है, तो आप डायबैक्सी का सपोर्ट करें, डायबैक्सी के प्रोडक्ट खरीदें ताकि डायबैक्सी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट का दूसरा बड़ा नियम है कि हमें 24 घंटे में 12 घंटे की फास्टिंग विंडो रखनी है और 12 घंटे की ईटिंग विंडो रखनी है। जो 12 घंटे की जो फास्टिंग विंडो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ कीजिए आपने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया तो रात के 8 बजे तक आप अपना डिनर फिनिश कर लें, और रात को 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक ये 12 घंटे हो गए, ये आपका फास्टिंग पीरियड है। इसको आप मेटाबॉलिक रेस्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं, इसको आप हीलिंग पीरियड भी कह सकते हैं। देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं तो डाइजेशन की ज़रूरत पड़ी और डाइजेशन में बहुत एनर्जी यूज़ होती है, बहुत मेटाबॉलिक एनर्जी लगती है, और जब रात को वो जो मेटाबॉलिक एनर्जी हम डाइजेशन से जो सेव करते हैं वो एनर्जी हमारी बॉडी को हीलिंग, रिपेयर और ग्रोथ में यूज़ होती है। तो अगर आप ये 12 घंटे का विंडो देते हैं बॉडी को फास्टिंग का, तो यहाँ पे रात को जब आप सो रहे होते हैं तब बहुत ही स्पीड से आपकी बॉडी रिपेयर और ग्रोथ डेवलपमेंट का काम कर रही होती है। डायबिटीज़ रिवर्सल पे जब हम जाएंगे तो हमें बहुत हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो 12 घंटे का विंडो है ये हीलिंग पीरियड है, ये बहुत ज़रूरी है, ये मेंटेन करके चलना है आपको। जो 12 घंटे का ईटिंग विंडो है, जैसे हमने कहा कि सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक, ये थोड़ा ये टाइम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, पर 12 घंटे का आपको करना है। इसमें कितने मील्स फॉलो करते हैं,
तो आप कितने मील्स फॉलो कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कुछ ऑप्शंस आपको देता हूँ, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 2 मील रख लें इन 12 घंटे में, तो जैसे कि 11-12 बजे के आसपास आपने लंच कर लिया और 5-6 बजे के आसपास आपने डिनर कर लिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप 3 मील कर लें, कि सुबह आपने ब्रेकफास्ट कर लिया 8 बजे, 2 बजे दोपहर में आपने लंच कर लिया और रात को 8 बजे आपने डिनर कर लिया। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादातर लोग ये 3 मील वाला प्लान आसानी से फॉलो कर लेते हैं और कंप्लायंस रेट काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें कुछ लोगों को ये रहता है कि भाई 3 मील में तो हम काम कर लेंगे, लेकिन एक सुबह अर्ली मॉर्निंग चाय मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, दे आर मोर कम्फर्टेबल विद दैट। तो अगर आप सुबह हमें चाय ऐड करनी है तो ग्रीन टी या ब्लैक टी बिना चीनी वाली, या थोड़ा शुगर फ्री आप यूज़ कर सकते हैं, या डायबेक्सी का शुगर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और एक सुबह चाय हम ले सकते हैं। तो एक चाय ले सकते हैं, कुछ लोगों को 2 चाय की ज़रूरत होती है, एक शाम को 4-5 बजे की चाय चाहिए होती है और 3 मील चाहिए होते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको 1 मील रखना है, 2 मील रखने हैं दिन में, 3 मील रखने हैं, या 3 मील प्लस 2 स्नैक्स रखने हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। बेस्ट क्या है इनमें से, क्या सबसे ज़्यादा अच्छा है, जितना साइंटिफिकली मैं आपको ये कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जितना कम मील का फ्रिक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको। तो जितना कम मील फ्रिक्वेंसी होगा उतना बॉडी के ऊपर कम मेटाबॉलिक बर्डन होगा, उतना कम डाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसको, तो उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन देखिए, मैं फ्रीडम में बिलीव करता हूँ और नॉलेज और डिसिप्लिन से फ्रीडम मिलती है। डायबिटीज़ रिवर्सल का जो प्रोग्राम है वो 10-5 दिन का तो प्रोग्राम है नहीं, लंबा चलेगा वो, 1.5 साल 2 साल भी चल सकता है। और इतने लंबे समय तक कोई भी प्रोग्राम किसी दूसरे की मर्जी का तो आप फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए आप सीखें और अपना डाइट प्लान खुद बनाएं। क्या आपको सूट करता है, क्या 3 मील आपको सूट करते हैं, क्या 3 मील और 1 स्नैक्स आपको सूट करते हैं, तो जो आपको सूट करता है वैसा डाइट प्लान बनाएं ताकि आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी सकें। देखिए, आप किसी दूसरे की कंडीशन पे तो अपनी लाइफ नहीं जीना चाहेंगे, मैं तो नहीं चाहता हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली आप भी नहीं चाहते होंगे। तो आप अपनी लाइफ के लिए अपना डाइट प्लान खुद फॉलो करें, लेकिन कुछ डिसिप्लिन के साथ, कुछ रूल्स के साथ। तो अपना नॉलेज और डिसिप्लिन बढ़ाएं तो उससे आपकी फ्रीडम बढ़ेगी, और फ्रीडम बढ़ेगी तो लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ेगी। हम किस लिए काम करते हैं, ये हैप्पीनेस के लिए। और हैप्पीनेस कब आती है, जब आपके पास फ्रीडम होती है। और फ्रीडम कब मिलेगी, जब आप नॉलेज और डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लेके आएंगे। तो फ्रीडम के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो चॉइस आपकी, आप कैसे करना चाहते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा पैटर्न आपको ठीक रहेगा और आपकी डाइट कौन से पैटर्न से ज़्यादा अच्छी रहेगी, कौन सा डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा जो बड़ा नियम है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है वो ये है कि 1 मील दिन का या पोर्शन ऑफ द मील थ्रू आउट द डे अनकुक्ड होना चाहिए। कुछ ना कुछ पोर्शन आपकी डाइट में अनकुक्ड होना चाहिए। अनकुक्ड मील का क्या एडवांटेज है, जैसे रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप खाते हैं तो उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम रॉ फॉर्म में मिलते हैं, वो आपकी बॉडी के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं और आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट देते हैं। जैसे ही किसी फूड को आप हीट करना शुरू करते हैं, 60-70 डिग्री से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाने लगता है, वैसे वैसे विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स फूड के डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं फूड की वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम एडवांटेज चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का तो आप उनको रॉ फॉर्म में खाइए। तो रॉ में आपको उसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा और न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो 1 मील और पोर्शन ऑफ मील्स आप कुछ अनकुक्ड फूड रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो कुछ ना कुछ अनकुक्ड फूड पूरे दिन में आपकी डाइट में हर मील में कुछ ना कुछ होना चाहिए। चौथा नियम जो है वो नॉन वेज से रिलेटेड है। देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिटेरियन बने। नॉन वेज डाइट से भी
डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। तो रूल क्या है, जब भी आप नॉनवेज खाएं तो 1:2 के रेशो में, अगर आपने 100 ग्राम नॉनवेज लिया है तो कम से कम 200 ग्राम सब्जी खाना जरूरी है। और सब्जी 300 ग्राम भी हो सकता है, 400 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन 1:2 का रेशो तो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी डाइट में वेजिटेबल ज़्यादा है और नॉनवेज कम है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की टेंडेंसी नहीं बनेगी, पेट साफ रहेगा। नॉनवेज ज़्यादा खाने से हो सकता है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए, क्योंकि नॉनवेज का ग्लाइसेमिक लोड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन नॉनवेज जब बॉडी में जाता है तो ज़्यादा टॉक्सिन्स जनरेट करता है और ज़्यादा टॉक्सिन्स बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। और जो वेजिटेबल्स हैं वो ईजिली मेटाबोलाइज हो जाती हैं, कम टॉक्सिन्स जनरेट करती हैं। तो इसलिए वेजिटेबल का पोर्शन ज़्यादा, नॉन वेज का पोर्शन कम, ये कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चार मेजर रूल्स हैं, इनके बेसिस पे अब हम चलिए डाइट प्लान डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऑप्शंस हम ब्रेकफास्ट के ले लेते हैं। तो चलिए एक रॉयल सैलेड बनाना सीखते हैं। रॉयल सैलेड एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको 3 वेजिटेबल चूज़ करनी है, 1 फ्रूट चूज़ करना है और कुछ फैट यूज़ करना है और कुछ प्रोटीन यूज़ करना है। तो वेजिटेबल कौन सी, तो आपको 3 वेजिटेबल चूज़ करनी है। कहाँ से, जो ये आपके पास ग्लाइसेमिक लोड वाला जो चार्ट है इसमें से कोई भी 3 वेजिटेबल आप सैलेड के लिए चूज़ कर लें। तो जैसे आपने कुकुम्बर ले लिया, कैप्सिकम ले लिया, कैबेज ले लिया, या आपने ब्रोकली ले लिया, तो ऐसे कोई भी 3 जो वेजिटेबल हैं वो आप चूज़ कर लें। और कोई भी एक फ्रूट ले लें, फ्रूट जैसे आपने अनार के दाने ले लिए, थोड़े से अंगूर ले लिए, पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, वाटरमेलन भी ले सकते हैं, फ्रूट थोड़ा जूसी बना देता है सैलेड को। तो रेशो क्या रखना है, 75% वेजिटेबल एंड जस्ट 25% फ्रूट। फ्रूट ज़्यादा नहीं लेना है, वेजिटेबल ज़्यादा लेनी है। तो 75% वेजिटेबल, 25% फ्रूट। अब इसको छोटा छोटा चॉप करके आप इसकी सैलेड बना लें। फिर इसमें 2 टीस्पून आप इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, या आप कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल, तिल का तेल, कनोला ऑयल, ऐसा कुछ भी सैलेड ड्रेसिंग के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। आप मार्केट की भी लो कार्ब वाली सैलेड ड्रेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है और कंप्लायंस रेट बढ़ जाता है। इसमें फिर आपको थोड़ा सा प्रोटीन मिलाना है। तो प्रोटीन का सोर्स जो वेजिटेरियन है उनके लिए नट्स हैं, तो आप इसमें एलमंड मिला सकते हैं, रोस्टेड भी मिला सकते हैं, कच्चे भी मिला सकते हैं, पीनट मिला सकते हैं, वॉलनट मिला सकते हैं, या कोई और सीड्स आपको अच्छे लगें, सनफ्लावर सीड्स वगैरह कुछ आपको अच्छे लगें, फ्लैक्स सीड अच्छे लगें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो रॉ यूज़ कर लें या रोस्टेड यूज़ कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये प्रोटीन का सोर्स है। जो लोग नॉनवेज खा पाते हैं वो एग ले सकते हैं। आपने ये सैलेड बनाई और इसके साथ में 2 बॉयल्ड एग ले लिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है रॉयल सैलेड का, इसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है, ये आपकी बड़ी मदद करेगा। और इसका ग्लाइसेमिक लोड नहीं है, एक तो ये फिलिंग भी है, इसमें विटामिन मिनरल्स भी हैं, और आपको नरिशमेंट पूरा मिलेगा सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ में। दूसरा ऑप्शन ब्रेकफास्ट में आपका हो सकता है कि मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं और आपको ऐसी सैलेड नहीं मिल पा रही है, तो आपने ऑमलेट ले लिया और उसके साथ में खीरा, ककड़ी, टमाटर, ऐसा कुछ भी सैलेड ले लिया, तो ये कॉम्बिनेशन ब्रेकफास्ट का हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप डायबेक्सी आटे का पराठा बना लें और उसको थोड़ा कर्ड के साथ में ले लें। या चौथा ऑप्शन ये है कि आप डायबेक्सी आटे की पूरी बना लें और उसके साथ में सब्जी खा लें। अब डायबेक्सी आटे का प्लेन पूरी पराठा आप बना सकते हैं, या आप उसको स्टफ़ भी कर सकते हैं कोई भी वेजिटेबल या लीव्स, जैसे कि हम पालक का, बथुए का, मेथी का, गाजर का, मूली का, ऐसा कुछ भी पराठा बनाना चाहते हैं तो उसके साथ स्टफ़ करके पराठा बना सकते हैं। तो ये कुछ मॉर्निंग के आपके पास ऑप्शंस हो गए जो आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं डायबेक्सी आटे पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि डायबेक्सी आटे का ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है। आप कंपैरिजन करेंगे तो जैसे गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 50 के आसपास मिलेगा आपको, जो मिलेट्स वगैरह हैं उनका ग्लाइसेमिक लोड 40 के आसपास आपको मिलेगा, और जो ये डायबेक्सी आटा है इसका ग्लाइसेमिक लोड आपको 5 के आसपास मिलेगा। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड सबसे कम है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स भी सबसे कम आपको दिखाई देगा। तो ये ऑप्शंस आपके पास ब्रेकफास्ट के हो गए। अब हम चलते हैं अपने लंच और डिनर की तरफ। तो लंच में एक सिंपल ऑप्शन तो आपके पास ये हो सकता है कि आपने 2 रोटी ले ली डायबेक्सी आटे की,
आपने कुछ सब्जी ले ली, कुछ सैलेड ले ली, या कुछ थोड़ा रायता भी आप साथ में ले सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए कुछ नॉनवेज ले लिया, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम चिकन ले लिया, कुछ आपने सब्जी ले ली, 200 ग्राम आपको सब्जी लेनी है, कुछ आपने सैलेड ले लिया, और उसके साथ भी कुछ रायता दही थोड़ा लेना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप ऑमलेट के साथ सब्जी सैलेड का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये कुछ आपके पास कॉम्बिनेशन के ऑप्शन है लंच के लिए। और डिनर में कुछ ऑप्शन और आप ऐड कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है ही कि रोटी सब्जी सैलेड ये वाला ऑप्शन तो आप कर ही सकते हैं डायवेक्सी आटे का। इसके अलावा आप पनीर टिक्का विद सैलेड कर सकते हैं, आप चिकन टिक्का विद सैलेड भी कर सकते हैं, या आप सूप भी बना सकते हैं। ये टमाटो का सूप या वेजिटेबल का सूप, आप एक सूप बना सकते हैं। देखिए सूप आपको पैकेट वाले नहीं लेने, वो स्टार्च के बने हुए होते हैं, तो आपको अगर पैकेट वाला लें तो उसको देखें कि वो क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका, उसके बेसिस पे आप उसको चूज़ करें। लेकिन घर का बनाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो कोई भी आप वेजिटेबल ले लें और उसका सूप बना लें, और उसमें थोड़ा घी या बटर भी डाल सकते हैं। घी बटर का ग्लाइसेमिक लोड नहीं होता है तो इसलिए वो आपकी डाइट के साथ में सूट कर सकते हैं। या कुछ आप मिक्स वेजिटेबल का सांभर जैसा भी बना सकते हैं, और जो वो सांभर है वो बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल को आप बॉयल कर लें और उसमें कुछ थोड़ा सांभर मसाला मिला लें, उसमें आप थोड़ा सा घी या बटर भी मिला सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर आप डाइट प्लान बनाएंगे तो वो आपके लिए ठीक सूट कर सकते हैं। तो ये आपने डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस देखे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के। इसमें कुछ जगह आप देख रहे हैं कि खाली वेजिटेबल्स भी हैं जैसे सूप, या कुछ जगह नॉनवेज और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन है। तो कब आपको नॉनवेज वेजिटेबल या रोटी सब्जी खाना है और कब आपको खाली सब्जी खाना है, ये आपकी भूख के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भूख ज़्यादा है तो रोटी सब्जी खा लीजिए, भूख कम है तो खाली सब्जी खा लीजिए, भूख ज़्यादा लग रही है तो पनीर टिक्का चिकन टिक्का सैलेड के साथ में खा लीजिए, नॉनवेज सब्जी के साथ में खा लीजिए, भूख कम है तो खाली सूप पी लीजिए। तो यह आपकी एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको फॉलो करना चाहते हैं। जो आपको सूट करे, जो आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसको सूट करे, जो आपकी टेस्ट बड को सूट करे, वो फॉलो कीजिए, लेकिन रूल्स आपको फॉलो कर रहे हैं। जब आप रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको उनका एडवांटेज मिलेगा। और जो डायबेक्सी के रूल्स हैं वो जो भी फॉलो करता है कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। तो एक बहुत मेरे फेवरेट एक्टर हैं, काफ़ी समय से मैं उनकी फिल्में देख रहा हूँ, वो डायबेक्सी से जुड़े राकेश बेदी जी। और राकेश बेदी जी का क्या एक्सपीरियंस है, चलिए उन्हीं से जानते हैं डायबेक्सी के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने ब्लड शुगर का टेस्ट करवाया और मालूम ये पड़ा कि मेरा ब्लड शुगर का लेवल हाई है। टेंशन हो गई, अब ऐसी न्यूज अगर मिलेगी तो परेशानी होनी तो लाजमी है ना। तो मैंने परेशान होकर अपने एक बेस्ट फ्रेंड को फोन किया एंड ही सजेस्टेड मी टू वॉच डायबेक्सी यूट्यूब चैनल। मैं वहां गया और मुझे डायबिटीज के बारे में बहुत जानकारी मिली। वहां से एक एक करके मैंने सारे के सारे वीडियोज देख डाले और फिर अमेजॉन पे जाकर मैंने डायबेक्सी के ये कुकीज और ये डायबेक्सी का ये आटा ये ऑर्डर किए और इसकी मैंने रोटियां खानी शुरू की और मजा आ गया। सच कह रहा हूं, 2 दिन के अंदर ही मुझे रिजल्ट भी दिखाई देने लगा। लाइक सीरियसली या तो आपको भी अगर परेशानी है या परेशानी अगर नहीं भी है तो भी डायबेक्सी का आटा ऑर्डर कीजिए और इसकी रोटी खाइए, क्योंकि मैं तो अब इसी की रोटी खाता हूं। अपना आटा खाना मैंने परमानेंटली बंद कर दिया है। आपको भी मजा आएगा और आपको फायदा भी होगा। डायबेक्सी के साथ जुड़िए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। डायबिटीज रिवर्सल की डाइट का 5वां बड़ा नियम वो है कि आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। पानी बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी की इंटरनल सफाई के लिए पानी ज़रूरी है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं और वो टॉक्सिन्स बॉडी से निकालने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो सही तरीके से काम करे उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मसल्स डिहाइड्रेट होंगी तो पूरी बॉडी में पेन होगा। अगर आपकी बॉडी में दर्द है तो हो सकता है पानी आप पूरा नहीं पी रहे या विटामिन मिनरल की कमी के कारण भी कुछ हो सकता है। तो पानी दिन में 3 लीटर तो कम से कम पीना है, ज़्यादा पी लें तो भी ठीक है। पानी थोड़ा गुनगुना हो तो और ज़्यादा अच्छा है, या नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं पर थोड़ा गुनगुना मिले तो और ज़्यादा अच्छा रहता है पानी।
तो पानी 3 लीटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप एक तो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही सबसे पहले 1 लीटर के आसपास पानी पी लें, फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 1 लीटर पानी फिनिश कर लें, लंच और डिनर के बीच में 1 लीटर पानी फिनिश कर लें। ऐसे आपको गोल बनाना है कि पूरे दिन में आपको कम से कम 3 लीटर पानी कंज्यूम करना है। तो ये कुछ आपने बेसिक रूल्स देखे जिसको यूज़ करके आप अपने डायबिटीज़ रिवर्सल का डाइट प्लान खुद ही बना सकते हैं। जब आप अपना डायबिटीज़ रिवर्सल का प्लान शुरू करेंगे आपको 3 चीज़ों की प्रोबेबली ज़रूरत पड़ेगी। एक, सबसे पहले आपको ये ग्लाइसेमिक लोड वाला चार्ट चाहिए होगा जिससे आप ये देख पाएंगे कि कौन सा फूड आपको खाना चाहिए और कौन सा फूड नहीं। दूसरा, आपको डायबेक्सी आटे की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी डाइट प्लान का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। तीसरा, डायबेक्सी की ब्रेकफास्ट बार। देखिए, कई बार आपको कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होंगी, आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप अपने मन मुताबिक डाइट प्लान नहीं ले पा रहे, जो आपके आसपास मिल रहा है खाने का उसका ग्लाइसेमिक लोड ठीक नहीं है, तो ये डायबेक्सी का ब्रेकफास्ट बार आपके लिए संकट मोचक है। इसको आप अपने साथ रखें और जब भी आपको ऐसा लगे कि भूख लगी और कुछ खाने का आसपास नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए लंच का टाइम हुआ है तो आप शुगर फ्री वाली चाय ले लें और 2 ब्रेकफास्ट बार डायबेक्सी की ये उसके साथ में ले लें, आपका लंच का काम हो जाएगा, भूख आपकी चली जाएगी। ये काफ़ी फिलिंग होता है, इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छा है और इसका ग्लाइसेमिक लोड भी काफ़ी कम है। ये तीनों चीज़ें आपको अमेज़ॉन पर डायबेक्सी किट के नाम से मात्र 999 रुपये में 999 में आपको ये मिल जाएंगी। तो आज ही आप इसको ऑर्डर करें और अपना डायबिटीज़ रिवर्सल का प्लान शुरू करें। डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के साथ साथ वेट लॉस में भी हेल्प करती है, तो ये सिमिलर डाइट आपको वेट लॉस का भी बेनिफिट देगी। आज के इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने वेजिटेबल्स पे बहुत एम्फेसाइज किया है, उनका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है, लेकिन फ्रूट्स पे मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। मैं मानता हूँ कि डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है कि फ्रूट्स हमें डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट में ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, ये चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,